हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो गवर्न करता है इंडिया में मैरिजेस को, कि कब इंडिया में मैरिज को वैलिड माना जाएगा और कब इनवैलिड। एक रीसेंट जजमेंट के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि कोई भी मैरिज अगर रजिस्टर हुई है बट रिचुअल परफॉर्म नहीं करे गए तो उस मैरिज को वैलिड नहीं माना जाएगा और उस मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब ऐसा होने के बाद एक वाइफ के एलिमनी में क्या राइट्स रह जाते हैं, क्या लीगल राइट्स है एलिमनी लेने के, एंड साथ में मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड में भी क्या लीगल राइट रह गए एक वाइफ के, आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Hey everyone, this is C. Neha Gupta. I welcome you all on this channel. I hope you all are doing great and fine in your life. So, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही अमेजिंग टॉपिक। टॉपिक है कि अगर आपकी मैरिज को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है तो ऐसे सिचुएशन में आपके लीगल राइट्स क्या है फॉर द प्रॉपर्टी एंड ऑल द एसेट्स। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैरिज इनवैलिड हो गई है तो अब लीगल राइट क्या बचते हैं एलिमनी के लिए एंड साथ में मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड के लिए। वेल, सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दूं, इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड इसके पीछे रीज़न सिर्फ ये ही नहीं है। बहुत बार लोगों को मैंने कमेंट करते हुए सुना है कि फीमेल्स कमाने लग गई है तो इस वजह से डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। वेल, डिवोर्स रेट बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे नज़र आता है वो है कि कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस आ गई है रिलेशनशिप्स में। लोग अपने काम को ज़्यादा प्यार करने लग गए एज़ कम्पेयर टू अर रिलेशंस। काम को प्यार करना इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट है बट रिलेशंस को संभाले रखना भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ग रन में जब आप 60 इयर्स क्रॉस कर जाएंगे, जब आप बुढ़े हो जाएंगे, तो काम ठीक है, आपके काम आ सकता है बट उससे भी ज़्यादा एक रिलेशन आपके काम आएगा। तो लोग रिलेशनशिप्स को वैल्यू ना देके पैसों को, काम को, इन सब चीज़ों को वैल्यू देने लग गए और शायद मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रीज़न है जहाँ पे डिवोर्स रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मेजर सिटीज़ में जो डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। ठीक है, लोग ये बोल रहे हैं कि फीमेल्स पढ़ लिख गई हैं तो अब वो आगे आके बोलती है, अगेंस्ट रहती है, वो चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती है। तो चीज़ों को बर्दाश्त करना ही क्यों है मेरे अकॉर्डिंग? पहले भी अगर कोई कर रहा था, अभी भी कोई कर रहा है तो वो चीज़ गलत है। चीज़ों को डिस्कस करिए, क्लियर करिए, ना कि उसको बर्दाश्त करिए। मेरे अकॉर्डिंग सब चीज़ें बदली जा सकती है, कोई भी इंसान कहीं से भी शुरू करके कहीं तक भी पहुँच सकता है। हमारे इंडिया में एक चाय वाला मिनिस्टर बन सकता है, तो क्या हम एक रिलेशनशिप नहीं सुधार सकते? बस आपसी समझ की ज़रूरत है। इस वजह से डिवोर्स रेट भी इंडिया में कम हो जाएगा और मैं बोलूँगी जो कि पहला हमारा भारत था, पहले हमारा इंडिया था जहाँ पर डिवोर्स होते ही नहीं थे, कोई वर्ड ही नहीं था डिवोर्स जैसा एक रिलेशनशिप में, शायद फिर से हम वो स्टेटस अचीव कर ले। वेल, हमारा टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो गए। टॉपिक था हमारा कि मैरिज इनवैलिड कब हो जाती है। वेल, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये बता रहा है कि आपकी मैरिज रजिस्टर होनी चाहिए, बट साथ में एक रीसेंट जजमेंट आई जहाँ पर यह बोला गया कि आपके मैरिज के रिचुअल्स परफॉर्म होने चाहिए और आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। तो इट मींस ऐसा नहीं आपने जाके कोर्ट में रजिस्टर कर ली, मैरिज रजिस्टर हो गई। आपकी इंडियन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जो भी रिचुअल्स हर सिटी में या हर स्टेट में होते हैं, लेट्स से अगर वरमाला होती है तो वरमाला हुई हो, सात फेरे होते हैं तो सात फेरे हुए हो, जो भी रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं वो रिचुअल्स परफॉर्म होने चाहिए और आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए, तभी आपकी मैरिज को वैलिड माना जाएगा। अब बात आती है मैरिज इनवैलिड हो गई। सो अगर आपकी मैरिज इनवैलिड हो गई तो इस सिचुएशन में एज अ फीमेल, एज अ वुमेन, आपके पास कोई राइट नहीं बचता कि आप अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में एट द टाइम ऑफ डिवोर्स आप एलिमनी क्लेम कर सके। एंड साथ में आपके बच्चे भी कोई मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते। रीज़न बीइंग, मैरिज का इनवैलिड होने का मतलब है मैरिज कभी हुई ही नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन में आपके सारे राइट्स ख़त्म हो जाते हैं।
तो ध्यान रखिए जब आप मैरिज को रजिस्टर कराएं आपके पास सारे एविडेंसेस भी होने चाहिए कि लॉन्ग रन में कोई दिक्कत है, तो यू शुड हैव द फोटोग्राफ्स ऑफ सात फेरा, यू शुड हैव द फोटोग्राफ्स ऑफ वरमाला सेरेमनी, यू शुड हैव द फोटोग्राफ्स ऑफ सिंदूर दान, वॉट एवर आर द रिचुअल्स इन योर रिस्पेक्टेड स्टेट दैट शुड बी फॉलोड एंड दैट शुड बी देयर इन द एविडेंस फॉर्म. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप या तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं. नंबर है 8375-8316 एंड ऑल्सो आप लिख भी सकते हैं. वेबसाइट है cnehagupta.com. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.